हेलो डियर्स, गूगल क्लासरूम रो प्लेटफॉर्म माध्यम रे एवं डिजी स्किल लर्निंग प्रोग्राम इन लोकल लैंग्वेज रो वीडियो कंटेंट सीरीज माध्यम रे आमे सिखु छु फ्रीलांसिंग। पूर्व वीडियो रे आमे आलोचना करथले फ्रीलांसिंग रो सोपान उपरे। आज रो वीडियो माध्यम रे आलोचना करबा फ्रीलांसिंग लागि सावधानता तार उपरे। आज वीडियो कंटेंट को आग को आलोचना करिबा पूर्वरु एतिके अनुरोध करिबी जे मोर वीडियो को शेष पर्यंत बिना स्किप करि देखंतु। फलरे एठारे आलोचना करा जाउथवा जरूरी इनफॉरमेशन रही न जीव एवं बुझिबा लागि सहज हि परिबो। आशा करिबी जे वीडियोटी शिक्षणीय हेबा सह इनफॉरमेशन प्रदान करिबो। तेनु एठारे एतिके कहिबा को चाहिबी जे यदि वीडियो इनफॉरमेशन प्रदान करे शिक्षणीय लागे यूजफुल लागे तेबे मोर यही वीडियो कंटेंट सीरीज को निश्चय देखंतु एवं मोर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। कारण मु मोर चैनल रे डिजी स्किल एवं फ्रीलांसिंग उपरे वीडियो कंटेंट ओडिया भाषा रे अपलोड करिते जहारो नोटिफिकेशन जल्दी पाई परिबे। आउ अधिक किछि आलोचना करि समय नष्ट न करि आरंभ करिबा आजिर वीडियो कंटेंट। मु हेउछि प्रोफेशनल डिजी स्किल एवं फ्रीलांसिंग गाइड। मु ओडिया भाषा रे लोक मानकु फ्रीलांसिंग सिखाई थाए। जेउठारे संभावना थाए सफलतार संभावना जोगु आशंका सृष्टि होय र कारण होय थाए। जेउ स्थान रे सफलता जेते परिमाण रे संभावना थाए सही स्थान रे आशंका मध्य सही परिमाण रे सृष्टि होय। एति पई फ्रीलांसिंग क्षेत्र रे मध्य किछि सावधानता अवलंबन आवश्यक अनुभव हुए। फ्रीलांसिंग क्षेत्र रे केतेक आशंका उत्पन्न हुए एवं एहा फल रे सावधानता अवलंबन करिवार आवश्यक हुए जहाँ निम्न प्रकार आलोचना करा जाई पारिबो। मन रखिबा उचित जे आमे फ्रीलांसिंग क्षेत्र रे काम करिवा लागि निष्पत्ति नेउछु। यार अर्थ यह कहीपरजे आम अज्ञात भ्रम जाल सहित खेल खेल को दुस्साहस करुचु। फ्रीलांसिंग होउची महासमुद्र परी आरंभ एवं शेष आदि निर्णय करिबा संभव नुहे कि केउठी कौन हेबो ताहा निश्चित करिबा संभव नुहे। पुणी केउठी किपरी आरंभ हुए एवं केउठी किपरी शेष हेबो ताहा मध्य कहिबा संभव नुहे। तेणु आमको सावधानता अवलंबन करिबा उचित। फ्रीलांसिंग क्षेत्र रे काम करिबा हेउची निजर स्थान काल पात्र आदि ठारु बाहरी आसी काम करिबाकु होइथाय। आमे शारीरिक रूप रे न हेले सुद्धा सांख्यिक डाटा रूप रे निजर अपहंच अपरिचित अज्ञात स्थान काल व्यक्ति सहित बास करू सेमानको सहित काम करू। तेणु आमको सावधानता अवलंबन करिबा को पड़ी थाए। एही पई सचेतन हेबा उचित एवं ए भली कठिन परिस्थिति लागि आमको प्रस्तुत हेबा आवश्यक। अज्ञात स्थान काल एवं व्यक्ति सह काम करिवार अर्थ मूल्य इपरि कि यहार परिणाम कौन यार उत्तर देवा कष्ट। ये अकाल अस्थान अपरिचित अनिश्चित व्यक्ति ठारु आशा करिबा विश्वास करिबा कष्ट अटे। तेणु यही अकाल अस्थान अपरिचित अनिश्चितता भरोसा शून्यता लगी प्रस्तुत उद्यम सचेतन हेबा आवश्यक। एथिलागि फ्रीलांसिंग गाइड हिसाब से मु परामर्श देवाकु चाहे जे माने इभली क्षेत्र रे काम करिबा को निर्वाचन करी संपादन करिबाले निष्पत्ति नेबा को चाहू चंती ए सबु कोनोसी व्यक्तिर दुर्बलता कि बाध्यबाधकता न हो। जे माने ई क्षेत्र रे काम करिबा को निष्पत्ति नेउचंती सेमाने निज ठारु निजर स्थान समय ठारु बाहरी विश्वस्तरीय चिंता आवश्यकता भावना कर्तव्य दायित्व हित मंगल कल्याण लाभ अधिकार विश्वास इच्छा पसंद प्रति सचेतन हेबा सह निजकु जड़ित रखिबा संपर्कित हेबा उचित।
ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଅସମୟ ଅସ୍ଥାନ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ୟା, ଭାବନା, ବିଚାର, ବିଶ୍ୱାସ, ଇଚ୍ଛା, ହିତ, ଲାଭ ଆଦି ଉପାଦାନ ସହ ଜଡ଼ିତ, ପ୍ରଭାବିତ, ସମ୍ପର୍କିତ, ଏପରିକି ଏସବୁ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ପ୍ରଭାବିତ, ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଟେ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଚାର, ଚିନ୍ତା, ଭାବନା, ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରଭାବ ଆଦିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଲୋକମୂଲ୍ୟ, ଅର୍ଥ, ସମ୍ପର୍କ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଆତ୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାମାଜିକ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛୁ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକତା ନୁହେଁ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଶିଖାଏ କର୍ମ କରି ଅର୍ଜନ କରିବା କାହାର ବି ପ୍ରାଥମିକତା ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ମ କରି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା, ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତର ଦୁର୍ବଳ, ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼େ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଠାରେ ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯେପରିକି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂର ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ କିପରି ହୋଇପାରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଏତିକି କହିବା, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିନ୍ତା, ଭାବନା, ଇଚ୍ଛା, ହିତ, ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିଶ୍ୱାସ, ବିଚାର ଆଦି ସମୁଦାୟର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏସବୁର ଆଲୋଚନା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସିରିଜ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଲିଙ୍କ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠାରେ ମୋର ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କୋର୍ସରେ ଏନରୋଲ୍ କରି ଡିଜି ସ୍କିଲ୍ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିଖିପାରିବେ। ଏତିକି କହି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି।